वेरी गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो एवरी वन ओपन योर बुक फ्रॉम क्लास 3rd लेसन 10 हेडी इन द माउंटेन्स। लेट्स सी पेज नंबर 87। फर्स्ट वार्म अप। रीअरेंज द लेटर्स ऑफ दीज वर्ड्स टू गेट द नेम्स ऑफ थिंग्स वी ईट। यहाँ पर देखिए बच्चों, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो अनस्क्रैम्बल्स हैं। आपको इन्हें स्क्रैम्बल करके, रीअरेंज करके इसे शुद्ध करेक्ट वर्ड्स में लिखना है। ओके, फर्स्ट CSEEHE, BRDEA, BRTTUE, GGSE, BNANAA। आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्या बन गया। फर्स्ट दिस इज द चीज, CHEESE, चीज। ओके, CHEESE। सो व्हाट इज दिस चीज? चीज मीन्स क्या होता है? पनीर। सेकेंड BREAD, ब्रेड। थर्ड इज बटर, BUTTER, बटर। फोर्थ इज एग्स, EGGS, एग्स। एंड लास्ट वन BANANA, बनाना। सो एवरीवन लुक एट दिस बुक। हैडी, हैडी वाज अ लिटिल गर्ल हु लिव्ड विद हर ग्रैंडफादर। दिस इज द स्टोरी अबाउट अ हैडी हु लिव्ड इन द माउंटेन विथ हर ग्रैंड फादर। सो दिस इज द स्टोरी, इज रिटन बाई जॉनस पेरी। ओके, हैडी वॉज अ लिटिल गर्ल हु लिव विथ हर ग्रैंड फादर। हैडी एक छोटी लड़की है जो अपने दादाजी के साथ रहती है। दे लिव्ड इन अ कॉटेज एट द फुट ऑफ द स्नो कवर्ड माउंटेन। वह बर्फ से ढकी हुई माउंटेन्स पर एक छोटे कॉटेज में अपने दादाजी के साथ रहती है। She loved to sleep in the hayloft that had a teeny round window। उसे hayloft means होता बच्चों घास का ढेर। उसे घास के ढेर पर सोना बहुत अच्छा लगता था। उसे घास के ढेर पर सोना बहुत ही पसंद था। वहाँ पर जब वो घास के ढेर पर सोती थी तो वहाँ पर देखिए ऊपर घास के खूब ऊंचे ढेर हो जाते हैं, तो उस पर एक छोटी राउंड खिड़की थी जिसमें से शी कुड लुक फार डाउन इनटू द वैलीज फ्रॉम द विंडो। जिसमें से वह वैलीज को अपने खिड़की में से वैलीज की घाटियों के नीचे पूरी दूर तक की दृश्य को वो आसानी से देख सकती थी। One morning she woke up the sound of a loud whistle। एक सुबह वह एक तेज सीटी की आवाज से जगी। The sun was shining through the round window। सन चमक रहा था उसकी गोल खिड़की में से। हैडी लुक्ड आउट एंड सॉ एवरीथिंग कवर्ड इन ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट। हैडी बाहर देखती है और देखती है कि सभी कुछ गोल्डन सुनहरी धूप की सुनहरी रोशनी से सभी कुछ ढका हुआ है। बहुत अच्छा सुंदर दिखाई दे रहा है। She quickly jumped out of bed and in a few minutes got ready and ran out of the house। वह जल्दी से अपने बेड पर से कूदती है और कुछ ही मिनट में वह तेजी से भागती हुई जल्दी से तैयार हो जाती है और घर के अपने बाहर आती है। She saw Peter, वह पीटर को देखती है। The goatherd, goatherd means होता है चरवाहा, जो बकरियों को चराता है उसे कहते हैं goatherd। Standing with his flock of goats, वह अपने बकरियों के झुंड के साथ खड़ा था। Waiting for grandfather, जो grandfather का इंतजार कर रहा था। Grandfather was bringing his two goats, Little Swan and Little Bear, out of the shade to join the others। Grandfather अपने दो छोटे बकरियों को लेने के लिए
शेड में से निकाल लेने के लिए गए हुए थे, जो उस चरवाहे के साथ उसे भी चढ़ने के लिए वो भेज रहे थे। उन दो लिटिल गोट्स का क्या नाम था? स्वान एंड लिटिल बियर। लिटिल स्वान एंड लिटिल बियर। हैडी रेन टू विश गुड मॉर्निंग टू हिम एंड द गोट्स। हैडी दौड़ती हुई जाती है और उन्हें गुड मॉर्निंग बोलती है, सुबह का नमस्कार बोलती है, एंड द गोट्स, और गोट्स को भी वो बोलती है। डू यू वॉन्ट टू गो विद देम ऑन द माउंटेन, आस्क ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं, क्या तुम इसके साथ माउंटेन पर जाना चाहोगी? हैडी वॉज ओवरजॉयड टू हियर टू हर ग्रैंडफादर सजेशन। हैडी ग्रैंडफादर के उस सुझाव को सुन करके बहुत ही खुश हो जाती है। ग्रैंडफादर पैक्ड फूड फॉर हैडी एंड पीटर। ग्रैंडफादर हैडी और पीटर के लिए भोजन पैक करके दे देते हैं। हैडी स्टार्टेड मैरिली फॉर द माउंटेन। द डीप ब्लू स्काई वॉज स्प्रेड अबव एंड द ब्राइट सन वॉज शाइनिंग डाउन ऑन द ग्रीन स्लोप्स। हैडी खुशी खुशी माउंटेन्स की तरफ जाती है, जहाँ पर वह ब्लू स्काई नीला आकाश देखती है, पूरी चारों तरफ फैला हुआ नीला आकाश देखती है, और ब्राइट सन चमकीले सूर्य की रोशनी पूरी ग्रीन वैलीज पर, पूरे चट्टान पर, हरी भरी स्लोप्स पर, घाटियों पर फैली हुई रहती है। हैडी प्लेड अराउंड द ग्रीन स्लोप एंजॉयिंग द गोल्डन सनलाइट द फ्रेश एयर एंड द स्वीट स्मेल ऑफ फ्लावर्स। हैडी उन चारों तरफ हरियाली को देख करके बहुत ही खुश होती है और वहाँ खेलती है और एंजॉयिंग द गोल्डन सनलाइट, और वहाँ के गोल्डन जो सूर्य की रोशनी पड़ रही है वो गोल्डन सनलाइट को देख करके बहुत ही खुश होती है और इंजॉय करती है। वहाँ के फ्रेश एयर को, जब हरी हरी घाटियाँ रहती है और हरे हरे चट्टान रहते हैं, जैसे चट्टान पर हरी हरी घास उगाते हैं, तो वो उस हरियाली को देख करके, वहाँ की खुशबू को देख करके, जो फ्लावर्स की स्वीट स्मेल्स आ रहे थे, उन सारी चीजों को फील करके देख करके बहुत ही खुश हो जाती है। She jumped and played among the goats. It was new for her to see the goats playing together. वह कूदती है और बकरियों के बीच में खेलती है। यह सारा चीज उसके लिए नया रहता है कि वह बकरियों के साथ, बकरियों के बीच में मिलकर के खेल रही है और कूद रही है। Stop jumping, Hedy. It is time for lunch, said Peter. Sit down now and eat. कूदना बंद करो हैडी, यह दोपहर के खाने का समय है, पीटर उससे कहता है। नीचे बैठ जाओ और खाना खाओ। हैडी सेट डाउन, इज द मिल्क फॉर मी। हैडी नीचे बैठ जाती है और वो पूछती है कि इज द मिल्क फॉर मी, क्या यह दूध मेरे लिए है? सी आस्क्ड व्हेन शी नोटिस्ड अ वुडन बाउल फिल्ड विद गोट्स मिल्क। वह यह जब नीचे बैठती है तो एक लकड़ी के बाउल में दूध भरा हुआ देखती है, तो वह लकड़ी के बाउल में, वुडन बाउल दिखे ना, वुडन बाउल में जब वो दूध भरा हुआ देखती है तो उसे पूछती है, क्या यह मेरे लिए है? और वो दूध किसका आता है? बकरी का दूध होता है। यस, रिप्लाइड पीटर। पीटर उत्तर देता है, हाँ। एंड द टू लार्ज पीसेज ऑफ ब्रेड एंड चीज आर आल्सो फॉर यू। और ये दो बड़े ब्रेड के टुकड़े और चीज भी तुम्हारे लिए ही है। हैडी नाउ टूक अप द बाउल एंड ड्रैंक हर मिल्क। हैडी बाउल को लेती है और दूध को पी जाती है। आफ्टर शी फिनिश ड्रिंकिंग पीटर रोज एंड फिल द बाउल अगेन फॉर हर। और उसके दूध पीने के बाद पीटर फिर से उस बाउल को, कटोरे को भर देता है। शी ब्रोक ऑफ अ पीस ऑफ हर ब्रेड एंड हेल्ड आउट ऑफ लार्ज पीस अलोंग विद अ होल बिग स्लाइस ऑफ चीज टू पीटर सेइंग यू कैन हैव दैट आई हैव प्लेंटी। और वह अपने ब्रेड के टुकड़े में से एक बड़ा टुकड़ा निकाल करके पीटर को दे देती है और एक चीज का बड़ा टुकड़ा भी, एक बिग स्लाइस अपने चीज का पूरा भाग भी पीटर को ही दे देती है और उसको देकर कहती है कि यह तुम्हारे लिए है, मेरे पास काफी है।
So this is the part 1 for this chapter, and remaining part I will teach you my next video. Okay, take care. Thank you. Bye bye.